about the cloud. Real imposter, lost her. When I'm in my DM, then I sauced her. Oops, boss up, ain't nobody like me, so don't act like you like me. Cloud. She slid up in my DM, then I sauced her. Oops, boss up, ain't nobody like me, so don't act like you like me. Cloud. Hold up, got a chip on my shoulder. See this chick gone, know her, but she all up in my DM. Hold up, shit, I don't really know you, no. But I know your count, better be like console. Venomous fast, she a snake like that, duh. Then you lay down flat, ho. रुको जरा, सबर करो। तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में शेट कार्तिक गेमिंग का। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि गाइस कैसे जो है आप वन टैप हेडशॉट इजीली मार सकते हो। एंड गाइस मैं आपको जो भी टिप्स दूंगा वो गाइस मैं अपने खुद के गाइस एक्सपीरियंस के हिसाब से दूंगा, क्योंकि गाइस अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ वन टैप हेडशॉट मारना। एंड अभी मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हुआ हूँ, बट गाइस मैं आपको जो है टेक्निक बताऊंगा कि कौन सी टेक्निक से जो है मैं वन टैप हेडशॉट इजीली मार पाता हूँ। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, और गाइस अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट जाओ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। एंड गाइस आजकल आप इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो, तो भाई प्लीज़ जिसने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे फॉलो कर दो। सो गाइज हम सबसे पहले बात करेंगे सेंसिटिविटी के बारे में। सो गाइज सेंसिटिविटी जो है आपको अपने हिसाब से रखना पड़ेगा। गाइज आपको उसके लिए क्या करना है, आपको ट्रेनिंग में जाना है। एंड गाइज आपको वहाँ पे सबसे पहले गाइज आपको 70 सेंसिटिविटी रखनी है अपनी। देन गाइज आपको देखना आपके हेडशॉट्स लग रहे हैं कि नहीं, अगर आपके ना लग रहे हो हेडशॉट 70 सेंसिटिविटी पे तो गाइज आप जो है उसको 80 करके देखो। अगर फिर भी ना लग रहे हो तो गाइज आप जो है जनरल को 100 कर दो, ठीक है ना गाइज 90, 80, 70। अगर गैस इन पे ना लगे आपके हेडशॉट तो गैस 100 कर दो, 100 पे गैस डेफिनेटली आपके लगेंगे। अगर गैस आपके 100 पे भी नहीं लग रहे हैं तो गैस बहुत से लोग क्या करते हैं DPI का यूज़ करते हैं, बट गैस मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आप DPI का यूज़ करो, क्योंकि गैस DPI यूज़ करने से गैस आपका जो फ़ोन है उसका गैस ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। एंड गैस बहुत से जो फ़ोन्स होते हैं गैस वो नहीं होते ख़राब, क्योंकि गैस वो अच्छे फ़ोन्स होते हैं, बट फिर भी गैस आप रिस्क मत लेना अपने फ़ोन के लिए। गाइज मैं तो यही कहना चाहूँगा क्योंकि मैं भी DPI बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, और गाइज बहुत से लोग मुझे बोलते हैं भाई तो DPI कौन कितने DPI भी खेलता है, भाई मैं सबको बता देता हूँ मैं बिल्कुल भी DPI यूज़ नहीं करता हूँ। एंड गाइज मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप जो है DPI बिल्कुल भी ना यूज़ करें। सो गाइज अब हम बात करेंगे एक्यूरेसी के ऊपर। सो गाइज जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हो मेरी जो सारी की सारी बुलेट्स हैं वो एनिमी के हेड पे जाके गाइज कनेक्ट हो रही हैं, क्योंकि गाइज जो मैं ड्रैग कर रहा हूँ वो गाइज काफ़ी ज़रा कम ड्रैग कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज इस समय जो है मैं लॉन्ग रेंज में थोड़ा सा गाइज मार रहा था, तो गाइज इसीलिए अब गाइज देखो जैसे मैं शॉर्ट रेंज में मार रहा हूँ तो गाइज मैं जो है ज़्यादा ड्रैग कर रहा हूँ, जिससे कि गाइज मेरा जो हेड पे जो है आराम से एम पहुँच जाए। और गाइज अगर आपके साथ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, आप जो है लॉन्ग रेंज में जब भी आप मारते हो ना तो गाइज आप ओवर ड्रैग कर देते हो, तो गाइज इस वजह से क्या होता है आपका जो एम है वो बंदे के हेड से भी ऊपर चला जाता है, तो गाइज इसी वजह से आपका जो शॉट है वो मिस हो जाता है। सो गाइज इसीलिए लॉन्ग रेंज में कभी भी जो है ज़्यादा ड्रैग मत करना, नहीं तो आपका जो एम है वो एनिमी के हेड से भी ऊपर चला जाएगा और आपकी जो बुलेट है वो एनिमी के हेड पे ना कनेक्ट होके ऊपर चली जाएगी। एंड गाइज मैं आपको एक और ट्रिक बता दूँ जिससे कि आपकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाएगी। गाइज उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपना जो क्विक वेपन स्विच होता है गाइज उसको इनेबल कर लेना है। एंड गाइज इनेबल करने के बाद आप देखोगे कि आपका जो एक्यूरेसी है गाइज वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाएगा, मतलब इनेबल करने से आपको कुछ नहीं होगा गाइज, आपको उस पर टैप भी करना पड़ेगा। मतलब गाइज जैसा कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, जैसे ही मैं एक शॉट मारता हूँ दैन उसके बाद जो है मैं क्विक वेपन स्विच पर दबा के गाइज उसके बाद जो है वहाँ से स्प्लिंट कर लेता हूँ, ठीक है ना गाइज। ऐसे अगर आप करोगे तो गाइस पहली बार तो आपका मूवमेंट बढ़ेगा, ठीक है, एंड उसके बाद आपकी एक्यूरेसी गाइस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी गाइस इससे। ये गाइस मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ गाइस, मैंने खुद ये यूज़ किया एंड मेरा जो वन टैप हेडशॉट है वो काफ़ी ज़्यादा इजीली लग गया एंड मेरे मूवमेंट भी जो है काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई।
सो गाइस अब हम बात करेंगे क्रॉस हेयर के बारे में। सो गाइस अभी बहुत से बंदे मुझे ये बोलते हैं कि भाई हम जो है अपना क्रॉस हेयर रेड रख के मारे बंदे को या फिर व्हाइट रख के। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, जब आप शॉर्ट रेंज में किसी बंदे को मारो तो गाइस आप अपना क्रॉस हेयर हमेशा व्हाइट करके मारो। तो गाइस देखो, जैसे कि मैं अभी मार रहा हूँ तो गाइस देखो मेरा क्रॉस हेयर जो है व्हाइट है, तब जाके मैं ट्रैक कर रहा हूँ। एंड गाइस आपको भी ऐसे ही करना है जब आप शॉर्ट रेंज में किसी बंदे को वन टैप मारो तब। एंड गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रेंज में अच्छे हेडशॉट लग रहे हैं मेरे, क्योंकि गाइस इससे क्या होता है जो आपका एम है वो इजीली जो है ऊपर तक ड्रैग हो जाता है। एंड गाइस इसमें बहुत चांसेस ऐसे होते हैं गाइस कि आपका जो एम है वो बंदे के हेड पे ना लग के मिस हो जाए शॉट। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं कि हम रेड एम करके कब मारें। सो गाइस अब रेड एम करके आपको तब मारना है जब आप मिड रेंज में या फिर लॉन्ग रेंज में किसी बंदे को वन टैप मारो। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं जो है वन टैप मार रहा हूँ ड्रैगनोव से लॉन्ग रेंज में। सो गाइस मैं अपना एम जो है रेड करके मार रहा हूँ, तो गाइस इजीली मेरा जो शॉट है वो बंदे के हेड पे आके कनेक्ट होता है। एंड गाइस इस वीडियो में आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि कैसे आपको जो है अपने फायर बटन को जो है किस तरह ड्रैग करना है, मतलब गाइस जब आपका एनिमी राइट में हो तो आपको राइट में ड्रैग करना है, लेफ्ट में तो लेफ्ट में ड्रैग करना है, क्योंकि गाइस ये चीज़ सभी को पता है। एंड गाइस अगर बात आती है यहाँ पे रोटेशन ट्रैक के ऊपर, तो गाइस रोटेशन ट्रैक हाँ थोड़ा सा टफ है बट स्टिल हो जाता है, ठीक है ना, सभी को पता है गाइस कैसे मारना है बंदे को रोटेशन ट्रैक से। और गाइस आपको एक चीज़ बता देता हूँ, रोटेशन ट्रैक गाइस आपको तभी मारना है जब आपके हाथ में गाइस शॉट गन हो, आपके पास M1887 या फिर M1014 हो गाइस तभी आप रोटेशन ट्रैक मारना। अदरवाइज अगर आप मारोगे तो आपका शॉट जो है 101% गाइस मिस हो जाएगा। हो सकता है गाइस आपसे लग जाए बट मेरे से तो भाई नहीं लगता। हाँ कभी कभी लग जाता है गाइस तुक्के से। सो गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे को नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।